भारत की शर्मनाक हार। आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को जो है पूरे 209 रन से जो है हरा के जो है करारी शिकस्त दे दी है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ उस मैच में हुआ क्या है। सबसे पहले जो है भारत ने जो है टॉस जीत के जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले खेलते हुए पहली इनिंग में जो है 459 रन का जो है वो लक्ष्य नहीं 459 रन बनाए सॉरी पहली बारी में। उसके बाद जब भारतीय टीम जो है बैटिंग करने आई तो उन्होंने जो है 296 रन बना लिए हैं 296 रन बनाए और 300 के करीब जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है लीड मिल गई थी। फिर जो है 270 रन के 8 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर करते हुए 444 रन का जो है वो लक्ष्य दिया भारतीय टीम को और भारत जो है 234 रन पे जो है वो ऑल आउट हो गई और यह ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है 209 रनों से जो है वो हरा दिया। इस मैच के जो है टॉप स्कोरर वो कौन कौन थे, ट्रेविस हेड थे जिन्होंने 163 रन की पारी खेली है, स्मिथ 121 रन की पारी खेली है, पहली इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे उस मैच में और 2 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में ठाकुर ने। फिर जब भारतीय टीम जो है बैटिंग करने आई थी तो अजिंक्य रहाणे ने जो है 89 रन की पारी खेली और 51 रन की पारी खेली ठाकुर ने और कैमरन ग्रीन ने 2 विकेट लिए, पैट कमिंग ने 3 विकेट लिए। फिर उसके बाद एलिस कैरी ने 66 रन बनाए दूसरी पारी में एंड मिटल स्टार्क ने जो है 41 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो दूसरी पारी में विराट कोहली ने 49 और 46 जो है अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग करते हुए बनाए और जैसे ही विराट कोहली आउट हुए तो पूरी टीम जो है ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और 234 रनों पे जो है यह ऑल आउट हो गई भारतीय टीम और 209 रनों से जो है आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने नाम किया है। पहले आश लगाई जा रही थी कि भारतीय टीम क्या वापसी कर पाएगी, क्या कोहली जो है दोहरा शतक लगा पाएंगे या सेंचुरी लगा पाएंगे। दोहरा शतक या सेंचुरी छोड़ो, वो अर्धशतक के आसपास थे, अर्धशतक भी नहीं लगा पाए वो। तो जैसे ही कोहली आउट होते हैं तो सारी टीम जो है वो आउट हो जाती है और यहाँ मैच 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया और एक और आईसीसी की ट्रॉफी भी अपने नाम की।